जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जो कि आप सभी लोगों की गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था और इसका जो डेट है फाइनली आ चुकी है और PDF आप लोगों के जारी भी हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों की PDF भी जारी हो चुकी है और बहुत पहले आप लोगों को इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि आप सभी लोगों को जो फॉर्म है वो सितंबर अक्टूबर माह में आएंगे। तो फिलहाल आप लोगों की नोटिफिकेशन आ चुकी है, नोटिफिकेशन हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। तो ऑलरेडी मैंने सुबह ही इसका वीडियो बना दिया था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, लेकिन आज इस टाइम पे मैंने वीडियो ये बना रहा हूँ जो कि आप सभी लोगों का इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, साथ साथ में आपकी रनिंग इसमें कितनी करवाई जाएगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथ साथ में वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताते हैं। तो जो आपकी वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज ऑल इंडिया ओवर की वैकेंसीज है, जो कि आप सभी लोग मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी रहते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पर 1230 यानी 1230 वैकेंसीज देखने को मिल जाती है और ये जो वैकेंसीज होती है वो आपकी स्टेट वाइज होती है, यानी कि आपके राज्यवार वैकेंसीज होती है, यानी कि इंडिया में जितने भी आपके स्टेट हैं उन स्टेटों में आपकी अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका PDF नंबर एक पेज जो है उसमें आपको पैरा नंबर 2 में ये साफ साफ मैंशन किया गया कि जो आपके वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज होती है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इसमें होती है। तो आपकी जो वैकेंसीज है वो आपके कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें आप सभी लोगों की, आपके जो फॉर्म है कब से अप्लाई होने वाले हैं। तो जो आप लोगों का फॉर्म है 11 सितंबर 2021 से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अब बात करें आप लोगों के क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए। अलग अलग पोस्टों के अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिंपल आप 10वीं पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी क्या रखी गई इसमें 18 से 23 वर्ष रखी, कुछ पोस्टों में, कुछ पोस्ट में 18 से 25 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्टों में 18 से 28 वर्ष रखी गई। ग्रुप बी के लिए 18 से 28 है और ग्रुप सी के लिए 18 से 25 और 18 से 23 वर्ष रखी गई है। वहीं पर हम बात कर रहे हैं एज में छूट, तो आपको 5 साल 3 साल की छूट मिल जाती है। OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है, SC/ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सभी लोगों के एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी। जो आपको एज का काउंटिंग किया जाएगा आपके लास्ट डेट से किया जाएगा, यानी कि 25 अक्टूबर 2021 से ही आपकी एज की काउंटिंग किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें आप सभी लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप लोगों का इसमें दौड़ होने वाला है, जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग इतनी सारी चीज़ें करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, फिर आपका टेस्ट या स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी लोगों को हाइट की, जो कि आप सभी लोगों को मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप ST कास्ट मेल हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर हम बात करें आप सभी लोगों को चेस्ट की, तो आपको मिनिमम 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी 80 से 85 होनी चाहिए। वहीं पर हम बात करें आप सभी लोगों को ST कास्ट के मेल कैंडिडेट, तो आपका 76 से 81 होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, यदि आप फीमेल हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और ST कास्ट फीमेल हैं आप तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पर हम बात करें आप सभी लोगों की रनिंग की, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप फीमेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोगों का जो टाइम रहता है वो आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाता है, आपको टाइमिंग में कोई कमी नहीं रहती है। बस जो आप लोगों का ये रनिंग है क्वालिफाइंग यानी कि नंबर इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलते, बस आपको कंप्लीट करना रहेगा। अब बात करें फीस पेमेंट की, यदि आप बी ग्रुप अप्लाई करते हैं आपको 200 रुपये फीस देने होंगे, यदि आप सी ग्रुप अप्लाई करते हैं आपको 100 रुपये फीस देने रहेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, यदि उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो थर्ड स्टेज है उसमें आपका स्किल टेस्ट या टेट टेस्ट, यानी कि जो भी पोस्ट अप्लाई करें, किसी से आप क्लर्क में अप्लाई कर रहे हो तो क्लर्क में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट करवाए जाएंगे। यदि आप कुक में अप्लाई करते हो तो आपकी कुक की टेट टेस्ट होगा, यानी कि टेट टेस्ट या स्किल टेस्ट आप लोगों का थर्ड स्टेज रखा गया।
जिनमें नहीं है उनको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा। उसके बाद आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप लोगों का मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यदि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके पूरा प्रोसेस था और आप 11 सितंबर 2021 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको जो रहने वाली है वो आपका 25 अक्टूबर 2021 रहने वाली। जैसे ही आप सब लोगों का फॉर्म अप्लाई होगा, आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से फॉर्म किस तरीके से बनना मैं आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।